यवनों ने कहर मचाया था, प्रभु को भी अपने पांव में रेंगते थे, मंदिरों का विनाश कर रहे थे, जनता के साथ गुलाम जैसा बर्ताव कर रहे थे, नजर आए उसे परेशान करते रहते थे। जंगली पागल सांड की तरह यवन लोगों के पीछे लगे हुए थे और लोग डरे हुए सस्से की तरह छिप के बैठे थे। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर जुल्म पड़ेगा, तब तब जुल्म का नाश करने ईश्वर अवतार धारण करेगा। शिवनेरी गढ़ पर एक सूर्य का जन्म हुआ, गढ़ की देवी शिवाई देवी, इसलिए पुत्र का नाम शिवबा रखा गया। बड़ी धूमधाम से नामकरण विधि हुई, सर्वत्र आनंद उल्लास छाया हुआ था। जिजा माता को विश्वास था कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला कोई सीधा साधा नहीं, पर अलग है, अवतारी है। वरना मुझे हाथी पर सवारी करना, पहाड़ों पर जाकर किले देखना, सुवर्ण सिंहासन पर बैठकर दान देना, ऊंचाइयों पर ध्वज लहराना, बख्तर पहनकर लड़ाइयां लड़ना, ऐसे सपने क्यों आते? रामायण महाभारत की कहानियां सुनते हुए शिवबा कैसे खो जाता है और सवाल भी कुछ अलग ही पूछता है। ये बातें उनको याद आ गईं। वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षस का संहार राम लक्ष्मण ने किया, ये बात सुनकर शिवबा बोल उठा था, हमारे मंदिर तोड़ने वाले इस बादशाह को कोई मार क्यों नहीं देता? क्या लोगों को इसी तरह भयभीत होकर जीना पसंद है? राम मेरी ही आयु के थे ना, तो मुझे भी तलवार दो ना, मैं उस राक्षस की तरह बादशाह का भी वध कर दूंगा। जीजा माता को फिर एक बार शिवबा की प्रेम भरी याद आ गई और उन्होंने झरोखे से बाहर देखा तो अंधेरा छा गया था, पर आंगन में खेलते हुए बच्चों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। भागो, दौड़ो, मारो, मर गया, ऐसी आवाजों से खेल पर अनोखा रंग चढ़ गया था। जीजा माता फिर एक बार झरोखे में आई और शिवबा को अंदर आने के लिए आवाज देने लगी, पर राजा को कहां कुछ सुनाई देता था, वो तो खेल में इतना मग्न था, खूब जमकर लड़ाई चल रही थी। परंतु शुभम करोती का समय हो गया था, आज महाभारत में कर्ण और अर्जुन के युद्ध की कहानी का दिन था। जीजा माता नीचे आई और शिवबा के नजदीक जाते हुए बोली, चलो राजा, संध्या समय हो गया, अब खेल बंद करो। पर शिवबा की तलवार शत्रु पक्ष के सेनापति की तलवार से टकराती ही रही। ढाल का प्रयोग करते हुए सिखाए गए तलवार के सभी दाव ये सैनिक बेझिझक खेलते ही रहे। जीजा माता को भी लगा जैसे देखते ही रहे, पर ये विचार सिर्फ पल भर के लिए ही रहा और वे फिर से बोली, चलो राजा, चौकीदार ने मशाल भी जला दी है, अब अंधेरे में ऐसे खेल नहीं खेलते। पर खेल में बच्चों को ये शब्द सुनाई नहीं दिए। आखिर वे युद्ध के मैदान में घुस गए और शिवबा का उठा हुआ हाथ थाम कर बोली, अब बंद भी करते हो या बुलाऊं डरावने बाबा को? ये सुनते ही शिवबा छलांग मारकर मिट्टी के ढेर पर खड़ा हो गया और अपने शरीर के चारों ओर तलवार घुमाते हुए जीजा माता से बोला, हाँ हाँ, बुलाइए उस डरावने बाबा को, एक पल में उसे भी जमीन दोस्त कर दूंगा। छोटे से किले पर जीजा माता ने निर्भीक बाल स्वरूप देखा और मन ही मन बोली, माँ भवानी, मेरी बात सुनो ना, सुनो, अब यह तुम्हारा अर्जुन जरूर महाभारत की रचना करेगा जैसा तुम और हम चाहते हैं। द बुचर्स पनिशमेंट। 10 साल का हो गया, पर इस उम्र में भी शिवबा का एक ही लक्ष्य था और वो था गाय बछड़े और बहु बेटियों के लिए राम राज्य का निर्माण। एक बार ऐसा हुआ, दरबार से शिवबा घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उसने एक विचित्र घटना देखी। एक तगड़ा मोटा कसाई, बड़ी बड़ी मूछों वाला, लाल लाल आंखों वाला, अपनी बिखरी हुई लटों को सुलझाता हुआ
एक गरीब गाय को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा था। उसकी कमर पर एक लंबा छुरा बांधा हुआ था। वो बेचारी गाय जान बचाने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रही थी। उसके गले में बंधा हुआ रस्सा खींच रहा था। उसकी जान निकल रही थी, मुंह से फैन निकल रहा था। छोटे शिवबा से ये देखा नहीं गया। वो कसाई के पास आकर बोला, इस गाय को छोड़ दो। यह सुनते ही कसाई ने शिवबा की ओर देखा। गुस्से से उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसने उछलकर कहा, तुम होते हो कौन मुझे पूछने वाले? गाय तो हमारा खुराक है। गाय अगर तुम्हारी देवी हो फिर भी हमारा अन्न है। गाय की हत्या किए बिना हमें चैन नहीं मिलता। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इसी वक्त टुकड़े करके रख दूंगा इस गाय के। शिवबा का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। तलवे की आग मस्तक तक पहुंच गई। जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिसे हम गौ माता मानते हैं, उसकी बीच रास्ते में ऐसी विडंबना, शिवबा से सहा नहीं गया। एक कसाई गाय को काटे, ये बात उससे सही नहीं गई। कसाई ने शिवबा को चिढ़ाने के लिए कमर पर से लंबा छुरा बाहर निकाला। मारने के लिए गाय पर छुरे से वार करने ही वाला था, तभी क्या हो रहा है वो समझ में आए। इससे पहले शिवबा आगे बढ़ा, शिवबा के हाथ में कब तलवार आई और कब कसाई का हाथ काट दिया पता ही नहीं चला। सभी लोग अवाक होकर सारी घटना देखते ही रह गए। कसाई वहां कराह रहा था। शिवबा ने कसाई को शिक्षा देकर गाय के प्राण बचाए। सब लोग आनंदित हो उठे। छोटे से शिवबा ने गाय को बचा लिया। लोगों ने शिवबा का जय जयकार किया। कल्याण का खजाना। जावली जीतने के बाद शिवाजी राजा का लक्ष्य अब कोंकण किनारा था। कल्याण भिवंडी का प्रदेश समृद्ध था। कल्याण मुख्य ठाणा का ठिकाना था। उसकी बाजार पेट जोरों में थी। व्यापार बहुत ही बड़ा था। ईरान जैसे दूर देश के व्यापारियों का यहां आना जाना रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि खबरी खबर लेकर आया, बादशाह का खजाना कल्याण होकर बीजापुर जा रहा था। सुवर्ण मुद्रा से भरी हुई संदूकें ऊंट पर चढ़ाकर बादशाह के सैनिक जा रहे थे। खजाने की रक्षा के लिए आगे पीछे सशस्त्र फौज और कुशल सरदार थे। ये खबर आबाजी सोनदेव को मिली। वो शिवाजी राजा के शूरवीर सरदार थे। उसने अपने मावले वीरों को जमा किया और कहाँ जाना है, क्या करना है, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था और कोई इसके बारे में पूछताछ भी नहीं करता था। आबाजी के पीछे पीछे घुड़सवारों ने भी लगाम खींची। आबाजी निकल पड़ा। आबाजी के पीछे पीछे चूहों की तरह सर सर उसके मावले भी चले जा रहे थे। जंगल आ गया। दिन होते हुए भी रात जैसा अंधकार छाया हुआ था और बिल्कुल खाई की मुश्किल जगह पर, मौके के स्थान पर, उसने उस खजाने के साथ जा रहे सैन्य पर अचानक ही धावा बोल दिया। मावले अंदर घुस गए। मुगल सैन्य में हड़बड़ी मच गई। मार काट शुरू हुई और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। जो भी नजर आया वो उठाकर मावले भागने लगे। सभी घोड़ों को भगा दिया। मुगल सिर्फ देखते ही रह गए। सारा खजाना निकाल लिया गया। कापड़ के थान, हथियार, हीरा मोती भरी संदूकें, सुवर्ण मुद्रा भरे पिटारे एक के बाद एक उठाए जा रहे थे। सब बहुत ही उतावले थे। फटाफट सब कुछ साफ हो गया। जख्मी मुगल तड़फड़ा रहे थे और बाकी सारे मृतदेह। लूट का सारा सामान घोड़ों पर लाद कर ये मावला वानर जैसे ही आए थे वैसे ही चुपचाप निकल लिए। काफिर का जो माल है अकलमंद का खुराक है। लूट के माल में बहुत ही सारा सोना और अनगिनत मोहरें मिली। इसी तरह घोड़े और युद्ध के हथियार भी मिले। खजाने के साथ कल्याण के सूबेदार की बहू सैनिकों के संग बीजापुर जा रही थी। आबाजी ने उसे देख लिया। वो सोचने लगा, वाह, अप्रतिम सौंदर्य,
ये तो अपने महाराज के चरणों में दासी के रूप में बिल्कुल सही रहेगी। बादशाह के चरणों में तो ऐसे कई सुंदर दासियां होती हैं, पर महाराज के दरबार में ऐसा कुछ देखा हो ऐसा कुछ याद नहीं आता। इसे महाराज को अर्पण किया जाए तो महाराज अवश्य खुश होंगे और बख्शीश भी मुझे मिल जाएगी। आबाजी ने कल्याण की उस बहू को भी उठा लिया। लूट का सारा सामान और सुबेदार की बहू को लेकर आबाजी पुनः पहुंचा। दरबार में उसने लूट का सामान और बहू को पेश किया और महाराज से कहा, महाराज मैं लूटा हुआ खजाना लाया हूं, उसका आप स्वीकार कीजिए। अब महाराज अपनी क्या तारीफ करते हैं, क्या बख्शीश देते हैं, इस बात का इंतजार वो करने लगा। पर हुआ कुछ अलग ही। कैद करके लाई गई सूबेदार की बहू को देखकर महाराज अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने आबाजी की अच्छी खासी खबर ली और गुस्से से बोले, मुगलों की तरह अगर हम भी परस्त्रियों का अपहरण करने लगे तो उन लोगों में और हम में फर्क ही क्या रहा। अपना राज्य धर्म का राज्य है, न्याय नीति ये अपने राज्य का अधिष्ठान है। धर्म प्रतिपालन और स्त्रियों की रक्षा के लिए हमने स्वराज्य का कंकण बांधा हुआ है। स्त्री फिर वो मित्र की हो या शत्रु की, उसकी इज्जत की रक्षा करना यही हमारा कर्तव्य है। राजा ने सूबेदार की बहू से कहा, हमारे लोगों ने आपको कष्ट दिया इसलिए हमें खेद है। आप अति सुंदर हैं। हमारी माँ साहब इतनी सुंदर होती तो हम भी उतने ही सुंदर हुए होते। राजा ने बहू को साड़ी और चोली देकर उसका सम्मान किया और मान सम्मान सह विजापुर पहुंचाया। कल्याण भिवंडी में सागरी सत्ता पर लहराने वाला शिवबा का भगवा झंडा उस क्षेत्र में यह कथा सबको गर्व के साथ सुना रहा था। पावन खाई। अफजल खान की धज्जियां उड़ा दी गईं। विजापुर के दरबार में मानो खलबली मच गई थी। आदिलशाह गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसकी मां बड़ी साहिबा बेहद परेशान हो गई थीं, मानो गुस्से से फूली हुई नागिन हो। शिवाजी महाराज का प्रतिकार करने के लिए उसने सिद्धि जौहर को भिजवाया। ये अति क्रूर सरदार था, उसके साथ विशाल सैन्य था। जौहर के सैन्य में 10,000 घुड़सवार और 14,000 का भूमिदल था। सिद्धि जौहर आया तो खेती बाड़ी मंदिर घर वगैरह का नाश करता हुआ आया। उस वक्त महाराज पन्हाड़गढ़ में थे। महाराज के पास था मुट्ठी भर सैन्य। सिद्धि जौहर ने आते ही पन्हाड़ा को घेर लिया। किसी अजगर की तरह दबाव डाले वो बैठा था। बारिश के दिन शुरू हो गए थे, जोरों की बारिश हो रही थी। बारिश से परेशान होकर सिद्धि जौहर घेरा उठा लेगा ऐसा महाराज को लग रहा था, पर सिद्धि जौहर घेरा उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेताजी पालकर ने घेरा उठवाने का प्रयास तो किया पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। गढ़ पर मदद भिजवाना संभव नहीं था, महाराज गढ़ में फंसे हुए थे। अब क्या किया जाए? महाराज के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। यहां से निकले भी तो कैसे? अब महाराज ने शक्ति के बदले युक्ति का प्रयोग करने का तय किया। उनके मन में एक दाव आया। उन्होंने मां भवानी का स्मरण किया और सिद्धि को संदेशा भिजवाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गुनाहगार हूं, शरण में आकर गढ़ आपके हवाले कर रहा हूं। जौहर आनंदित हो उठा, शिवाजी शरण में आ रहा है। जौहर की फौज आनंद से झूम उठी। शिवाजी शरण आ रहे हैं ये बात सुनते ही पहरा देने वाले सैनिक काफिल हो गए। रात का समय हुआ, अंधकार छाया हुआ था, ऊपर से जोरदार बारिश हो रही थी, हवा का जोरदार तूफान चल रहा था, बिजली कौंध रही थी। और यहां पनाड़ा में 600 मावड़ा
निकलने के लिए अंधेरे में छुपकर बैठे हुए थे। महाराज के साथ थे बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे भोर के नजदीक सिंध गांव के रहने वाले थे, शिवाजी महाराज की माला के अनमोल मोती समान, अति शूरवीर। उन्हें लेकर महाराज निकले। लगभग 10 बज चुके थे। चंद्र बादलों के पीछे छुप गया था। मावड़ाओं ने महाराज की पालकी उठाई। उनके पीछे बाजी प्रभु निकले। पीछे पीछे मावड़ा भी निकल पड़े। सिद्धि जौहर का सैन्य तो गाफिल ही था। शिवाजी कल तो शरण में आ रहा है, पैरा देने की क्या जरूरत है, कर लो आराम, ऐसा सैनिकों ने विचार किया। और जिस तरफ पहरा नहीं था वहीं से महाराज की पालकी निकाली गई। पालकी उठाकर मावड़ा भाग रहे थे। घनी झाड़ियों से छोटे बड़े गड्ढों को पार करते हुए सीधे विशालगढ़ की ओर। इतने में कैसे वैसे सिद्धि जौहर को महाराज के निकल जाने की खबर मिल गई। वो गुस्से से अपने होठ चबाने लगा। परेशान यवन सैनिकों ने महाराज का पीछा किया। इतने में महाराज घोर खाई तक आ पहुंचे थे। बाजी प्रभु ने महाराज से कहा, महाराज इस खाई में मैं गनीम को रोके रखता हूं, आप जल्दी से विशालगढ़ पहुंच जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। एक बाजी गया तो अनेक बाजी मिल जाएंगे, पर शिवाजी महाराज फिर से। आगे के शब्द निकलने से पहले ही बाजी ने महाराज के चरणों को स्पर्श किया। महाराज ने प्रेम से बाजीराव को आलिंगन दिया। अरे, एक मावड़ा ने उन्हें सावध किया, महाराज गनीम आ रहा है। बाजी ने कहा, महाराज आप चलिए, आप सुखरूप विशालगढ़ पहुंचते ही इशारे के लिए तोप चलाइएगा, तब तक ये बाजी इस खाई को रोक के रखेगा। भारी अंतकरण के साथ महाराज चल दिए। बाजी ने दोनों हाथों में तलवार ली। खाई के मुख पर वे खड़े रह गए। हर हर महादेव का नारा लगाया। क्रोधित यवन नजदीक आ पहुंचे थे। शूरवीर मावड़ाओं ने पत्थरों से जोरदार वार किया। जोरदार लड़ाई का आरंभ हुआ। बाजी प्रभु के अंग में मानो साक्षात महादेव ने अवतार लिया था। वे दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे, एक एक गनीम को गिरा रहे थे। क्रोधित यवन खाई को पार करने की कोशिश में लगे थे, पर बाजी प्रभु किसी खूंटे की तरह खाई को रोक कर खड़े थे। बाजी के कानों पर इंतजार था तोप की आवाज का। तभी बाजी के शरीर पर एक घाव लगा। खून से बाजी का शरीर लथपथ हो गया, पर तोप की आवाज सुने बगैर देह कैसे छोड़ा जा सकता है। महाराज के सुखरूप पहुंचने से पहले प्राण नहीं जा सकते। इसी जिद के साथ वे लड़ रहे थे, एक नहीं दो नहीं 7 घंटे तक। इतने में उन्हें तोप की आवाज सुनाई दी। महाराज सुखरूप विशालगढ़ पहुंच गए थे। बाजी की छाती छलनी हो गई थी, फिर भी बाजी प्रभु आनंद में थे। महाराज को मन ही मन मुजरा करके बाजी ने देह त्याग किया। स्वामी कार्य संपूर्ण हुआ था। स्वामी भक्त बाजी के रक्त से भोर खाई पावन हो गई थी। पावन खाई और बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के इतिहास में सदा अमर रहेंगे। खान के घुटने तोड़ दिए, उसका फायदा मिला, पर अब इतने से संतोष न करते हुए औरंगजेब को एक और सबक सिखाया जाए, ऐसा शिवाजी ने तय किया और उन्होंने अपना ध्यान सूरत पर केंद्रित किया। सूरत गुजरात का अति श्रीमंत शहर था। चित्र विचित्र निशान वाले कई जहाज इस बंदर पर लंगर डालते थे। सूरत का व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। सूरत यानी मुगल साम्राज्य का वैभव।
सेठ साहूकारों की बड़ी बड़ी सुंदर हवेलियां थी, राजाशाही बाग बगीचे थे। इस शहर से बादशाह को लाखों रुपयों की आमदनी होती थी। बहिरजी नाइक महाराज के गुप्तचर थे। उन्होंने शहर की अनमोल जानकारी से महाराज को वाकिफ किया। महाराज ने अपने साथ चुने हुए 4,000 सैनिकों को लिया महाराज ने अपने दाव का जरा सा भी अंदाजा शत्रु को लगने नहीं दिया। महाराज ने सूरत के नजदीक आकर शहर में प्रवेश किया। सूबेदार को तंबू में बुलाया और खंडणी की मांग की। सूबेदार डर गया और डर के मारे किले में जाकर छुप गया। शूरवीरता से लड़ने के बजाय उसने छल से महाराज को मारने का तय किया। उसने इनायत खान नाम के एक युवक को महाराज के पास भेजा। मुद्दे की बात करने के बजाय इनायत खान बेकार की बातें करने लगा। तब महाराज ने उसे धमकाया, मुद्दे की बात करो, खंडणी देने वाले हो या नहीं। तब इनायत खान ने कहा, मुझे एक खास बात करनी है, सिर्फ आपसे ही। महाराज ने नजदीक आने की अनुमति दी। नजदीक पहुंचते ही इनायत खान ने अपनी कटार निकाली और अचानक ही महाराज पर वार किया। महाराज ने पल में ही हटकर अपने आप को बचा लिया। तब छोटा सा जख्म भी हुआ। तभी महाराज का अंगरक्षक आगे बढ़ा, उसने इनायत खान का हाथ हवा में ही काट डाला। महाराज पर हुए हमले की बात सैन्य में फैल गई। मावड़ा क्रोधित हो उठे। धोखेबाज सूरत का शासन हाथ करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। क्रोध से प्रज्वलित मराठाओं ने महाराज से कहा, महाराज हमें अनुमति दीजिए, सूरत को बदसूरत बना देंगे, कुरूप बना देंगे हम। महाराज ने कहा, गरीब जन स्त्री बच्चों को परेशान मत करना, मंदिर मस्जिद ख्रिस्ती गिरजाघर वगैरह को हाथ मत लगाना, अपना बैर औरंगजेब से है। मावड़ा निकल पड़े। सूरत को आग लगाई गई, छुपाई हुई संपत्ति बाहर निकाली गई, संपत्ति का ढेर जमा हो गया। हीरे मोती सोना चांदी का प्रचंड खजाना लूट में मराठा को मिला। लूट का सारा सामान घोड़ों पर लादकर महाराज लौट चले। सूरत को अच्छा सबक सिखाया। शहनशाह बादशाह की इज्जत आबरू दिल्ली की शान महाराज ने खाक में मिला दी। बादशाह की तो नाक ही कट गई। मुरारबाजी। टूटी हुई उंगलियां और स्याही सा काला चेहरा लेकर शाइस्ते खान औरंगजेब के सामने पेश हुआ। पराभव के कारण औरंगजेब को बहुत ही गुस्सा आया था। आंखें लाल हो गई थीं। हाथ में रही जपमाला जोर से फेंकते हुए वो शाइस्ते खान पर चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, अपना ये काला मुंह मेरी नजरों से दूर करो, इसे बंगाल भिजवा दो। शाइस्ते खान बंगाल चला गया। अब शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने एक नई योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने एक राजपूत सरदार मिर्जा राजा जयसिंह की नियुक्ति की। मिर्जा राजा जयसिंह राजस्थान में आए हुए आमेर के महाराजा थे। अति शूरवीर, मुत्सद्दी, उम्र 56 वर्ष, 47 सालों से वे बादशाह की सेवा में थे। कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। हमेशा विजय प्राप्त करने की मानो उनकी आदत थी। कभी भी पराजय न पाने वाले शिवाजी महाराज से उसने युद्ध छेड़ दिया। इस बार भी विजय प्राप्त होना ही चाहिए, नहीं तो अपनी सारी यशगाथा पर पानी फिर जाएगा। फिर निश्चय करके महाराज जयसिंह निकल पड़े। उनके साथ दिलेर खान नाम का एक सरदार था। शिवाजी महाराज के स्वराज्य पर संकट के काले बादल छा गए। आते ही दिलेर खान ने पुरंदर किले पर घेराव डाला। पुरंदर किला महाराष्ट्र का एक सुविख्यात किला था। सासवड़ के ये बहुत ही करीब था।
यहीं पर संभाजी राजा का जन्म हुआ था। इस किले के किलेदार थे मोरारबा। दिलेर खान की तोपों ने गढ़ को निशान बनाया था। इसके कारण गढ़ का बुर्ज टूटकर गिर रहा था। मोरारबा जी बुर्ज पर खड़े रहकर देख रहे थे। गढ़ के नीचे दिलेर खान की तोपें और सैनिकों की छावनियां दिखाई दीं। उन्होंने अपने मावड़ाओं को एकत्रित किया और कहा, हमें इन तोपों को बेकार बना देना चाहिए। सभी एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। रात के समय मराठों की एक टोली छुपते छुपाते निकल पड़ी। खान का सैन्य गहरी नींद सो रहा था। झिंगुर की कर्र कर्र आवाज अंधेरे में सुनाई दे रही थी। ये टोली तोपखाने के पास पहुंची, तोपों के छिद्रों में कीले ठोक दिए और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए खान के सैन्य में घुस गए। खान का सैन्य जागृत होकर अपने कपड़े संभाले, तब तक तो 100-200 सैनिकों का संहार करके अंधकार में गायब हो गए। आंखें मलते हुए हाथ में तलवार उठाएं, तब तक तो सब गढ़ में पहुंच गए थे। दूसरे दिन तोपों का निशाना साधते हुए दिलेर खान के सैनिकों ने तोप में बारूद भर दिया। धड़ाम सी आवाज हुई और जगह पर ही तोप चली। तोप चलाने वालों के चेहरे काले हो गए। ऊपर से ऐसा हाल देखकर मोरारबाजी और उनके सैनिक हंसने लगे। अब दिलेर खान का गुस्सा बेकाबू हो गया। जोरदार हल्ला करने के लिए एक साथ 5,000 पठानों को भिजवाया। इस हमले को मोरारबाजी ने देखा, पर वे घबराए नहीं। सिर्फ 700 मावड़ों को लेकर वे किले से निकले। दोनों हाथों में तलवार उठाई। सुबह के प्रकाश में धाड़ धाड़ तलवारें चमक रही थीं, मानो अग्नि की ज्वालाएं। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए किसी आग के गोले की तरह मावड़े और मोरारबाजी पठानों पर टूट पड़े। भयानक युद्ध का आरंभ हो गया। पेड़ कटकर गिरते हों, इस तरह पठानों का संहार हो रहा था। मोरारबाजी की तलवार किसी चक्र की तरह घूम रही थी। शंकर के तांडव की तरह मोरारबाजी शत्रु के सैन्य में घूम रहे थे। उनके हर घाव पर शत्रु का सर कट रहा था। दिलावर खान ने ये आवेश देखा और जगह पर ही थम गया। मोरारबाजी का शौर्य वो आश्चर्य के साथ देख रहा था। उसने कहा, अरे बहादुर, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं निहायत खुश हुआ हूं। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे शौर्य की मैं कीमत करूंगा, बड़ी जागीर भी दूंगा। मोरारबाजी ने गुस्से से कहा, शिवाजी महाराज की चाकरी के सामने मुगलों की जागीरी को मैं कचरे जैसी मानता हूं। हम कभी द्रोह नहीं करेंगे, प्राण जाए तो भी ईमान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए खान पर हल्ला किया। फिर एक बार तलवार घूमने लगी, पर खान ने तीर चलाया। तीर का घाव लगते ही मोरारबाजी गिर पड़े। लड़ते हुए मोरारबाजी को गिरते देखकर दिलेर खान बोला, या खुदा, ये कैसा सिपाही तुमने पैदा किया। ऐसा शौर्य देखकर खान वाकई दंग रह गया। स्वराज्य के खातिर एक और वीर ने अपना बलिदान दिया। खान वाई आए, किंतु बीजापुर से निकलते हुए खान ने रास्ते में कई गांव लूटे। कई निरपराध लोगों को उसने ठार मारा, मंदिरों का नाश किया। उसके बाद ही वो वाई पहुंचा। खान के द्वारा फैलाए गए अत्याचार की बातें शिवाजी महाराज के कानों तक पहुंची। तब वे प्रतापगढ़ में थे। राजा की पत्नी सईबाई साहिब बहुत ही बीमार थी। विपत्ति के घने बादल गड़गड़ाहट करते हुए छा रहे थे। खबर भयानक थी। यवनों ने तुलजापुर में भवानी की मूर्ति को खंडित किया था, मानकेश्वर का शिवालय तोड़ा था, जबरदस्त आतंक मचाया था। यवनों द्वारा फैलाया हुआ अत्याचार शिवाजी सह नहीं सकते थे। उन्होंने ठान ली अफजल खान का सामना करने की, जिसने अपने पिता को जंजीरों में बांधकर जुलूस निकाला था, जिसने अपने भाई से दगा किया था, जो स्वराज की धज्जियां उड़ाने के लिए
चारों ओर जुल्म की झड़ियां बरसा रहा था, उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई तो मेरा नाम शिवाजी नहीं। उस वक्त रानी सईबाई मृत्युशैया पर थी। उनका ये अंतिम प्रवास राजा से देखा नहीं जाता था, फिर भी मन को मजबूत करके स्वराज्य की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करना ही था। कैसा महान त्याग! शिवाजी राजा का जीवन ही ऐसा था। प्रतिज्ञा अति कठिन थी, और कठिन ना हो तो प्रतिज्ञा क्या। राजा ने खान से मिलने से पहले जीजा माता को वंदन किया। मां साहिब ने मन को मजबूत करते हुए राजा को विदा दी, आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, शिवबा विजयी भव, चढ़ती दौलत तुम्हें फले। शिवबा बुद्धि से काम लेना, संभाजी का ऋण चुकता कर दो। शिवबा संभाजी का ऋण चुकता कर दो, अफजल खान से बदला लो। शिवाजी राजा प्रतापगढ़ पहुंचे। खान का मकाम बाई में था। खान ने शिवाजी को मुलाकात का संदेशा भिजवाया, पर शिवाजी को पूरा ख्याल था कि खान जरूर उनसे दगा करेगा। वे बहुत ही सावधान थे। उन्होंने चाल चलते हुए खान को कहलवाया कि खान साहब, मैं अत्यंत भयभीत हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, पर वाई आकर आपसे मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ही प्रतापगढ़ पधारें। शिवा के मन की बात खान ताड़ नहीं सका। उसे लगा, अपने आप को शूरवीर समझने वाला शिवाजी तो पहाड़ी का चूहा ही निकला। खान ने शिवाजी की बात मंजूर रखी और प्रतापगढ़ जाने का तय किया। शिवाजी ने प्रतापगढ़ पर एक भव्य मंडप बनवाया था। उसे हांडी झूमरों से सजाया गया था। गलीचे बिछाए गए थे, मलमल के नक्शीदार पर्दे लगाए गए थे, बड़ा ठाट रचाया गया था। सवेरा हुआ, राजा ने शंकर की आराधना शुरू की। इस तरफ खान अपनी छावनी में था, भविष्य के यश के रंगों में खो गया था। खान मुलाकात के लिए निकला। खान मुलाकात के शामियाने में पहुंचा, तभी खान की गाफिल फौज के इर्द गिर्द राजा के मावड़ा चारों ओर छुपकर इशारे का इंतजार कर रहे थे। खान को इतनी जल्दी थी कि वो समय से पहले ही आकर खड़ा हो गया। उसे अपने विजय के बारे में कोई शंका नहीं थी, तभी तो वो गलतफहमी में था। शिवाजी महाराज ने बख्तर धारण किया, उस पर वस्त्र धारण किए, सर पर फौलादी शिरछत्र चढ़ाया और उस पर हमेश की तरह पगड़ी बांध ली, बागनख बिच्छुआ और तलवार ली। श्री के दर्शन करके राजा निकले। पल भर में प्रतापगढ़ का माहौल बदल गया, सब गंभीर हो गए। गढ़ का बंदोबस्त बहुत ही बढ़िया था। खान से मुलाकात होते ही तोप चलाने का इंतजाम राजा ने करके रखा था। हर चीज की राजा ने सावधानी से योजना बनाई थी। राजा निकले, वे शांतिपूर्वक आहिस्ता कदम भरने लगे। उनके साथ 10 अति विश्वासी साथी भी थे, पर वे मुलाकात की जगह से कुछ दूर ही रुकने वाले थे, क्योंकि मुलाकात के करार में ऐसा तय किया गया था। राजा खान की मुलाकात के लिए गढ़ से निकले। सारा प्रतापगढ़ शोक में डूबा हुआ था। कई मावड़ा सैनिक राजा के पास एकत्रित हुए और राजा से कहने लगे, राजे हमें भी अपने साथ ले जाइए, हमें भी ले जाइए। इन सब के प्रेम से राजा परिचित थे। उतने ही प्रेम से राजा ने कहा, मेरे साथ चलने के बजाय तुम सब गढ़ की रक्षा करना। मेरे भाइयों, संभाजी राजा का ख्याल रखना, स्वराज्य की रक्षा करना, शाहजी महाराज को मेरा मुजरा पेश करना। ऐसा कहते हुए राजा निकल पड़े, किंतु रास्ते में ही खान शामियाना लगा के बैठा था, पर उसने सैयद बंडा नाम के वीर जवान को अपने साथ रखा था। साथ में किसी को भी यहां न लाया जाए ये भी तय हुआ था। राजा ने खान को संदेशा भिजवाया, खान साहब सैयद बंडा को दूर कीजिए, क्योंकि मैं अत्यंत भयभीत हूं। खान साहब आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, फिर भी मैं रहा गुनाहगार, इसलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है।
खान की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रोए हंसे। राजा के इस शक और डर के कारण खान और भी बेपरवाह हो गया। उसके दिल में तो खुशियां बहने लगी। अब इस बागी शिवा को आसानी से पकड़ सकेंगे, ऐसा वो सोचने लगा। उसने तुरंत ही सैयद बंडा को बाहर जाने का हुक्म दिया। राजा शामियाने में पधारे। तभी खान जरा आगे बढ़ा। उसका चौड़ा सीना देखकर यमदूत की भी धड़कनें तेज हो जाएं, पर शिवाजी राजा शांत थे। टिकटिकी लगाए खान की ओर देख रहे थे। खान को यह बहुत ही स्वाभाविक लगा। अपनी कठोर भाषा और सुल्तानी मिजाज से उसने शिवाजी राजा से कहा, तुम अपने आप को बड़े हिम्मतवान और बहादुर समझते हो क्या? बेअदबी से गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? बादशाह आदि आदिल शाह, बादशाह कुतुब शाह और मुगल बादशाह के हुक्म को ठुकरा कर तुम बेलगाम बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अहंकार तोड़कर तुम्हें पाठ सिखाने ही मैं यहां आया हूं। तुम्हारे सभी किले मेरे हवाले करके मेरी शरण में आ जाओ। अपना खमंड छोड़कर इस अफजल खान से मिलो। आओ शिवा आओ, ऐसे डरो मत मुझसे, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। बोलते बोलते आलिंगन देने के लिए खान ने अपनी बाहें फैलाई। वो अपनी बाहों में शिवाजी राजा को, स्वराज्य को, माँ साहब के पुत्र सुख को और सह्याद्री के दिल को कुचल डालना चाहता था। खान ने पूरी ताकत से आलिंगन दिया। महाकाय खान के सामने राजा बच्चे से लग रहे थे। राजा का मस्तक खान के कंधे तक पहुंच रहा था। अचानक खान ने राजा का सर दबाया। कुछ समझ में आए उसके पहले ही खान ने अपनी कटार निकाली और जोर से उसने वो कटार राजा के पेट में घुसेड़ दी। राजा को कोई असर नहीं पहुंचा क्योंकि अंदर बख्तर पहना हुआ था। अब खान को राजा की चाल समझ में आई। उसने राजा का गला दबाया, पर खान को जरा सा भी समय न देते हुए राजा ने बड़ी फुर्ती से बिछुआ के दांत खान के पेट में घुसेड़ दिए। खान की अंतड़िया पेट चीर कर बाहर आ गई। वो जोरों से चीख उठा, या अल्लाह, दगा दगा हुआ है, लहू लहू, दुश्मन ने मेरा कत्ल किया है, मेरा कत्ल किया, पकड़ो उसे, पकड़ो, काट डालो। अपने पेट के जख्म को दोनों हाथों से दबाता हुआ खान चिल्ला रहा था। खान शामियाने से बाहर आया। उसके आदमी तेजी से पालकी लेकर आए। कैसे वैसे खान पालकी पर चढ़ गया। तभी सैयद बंडा शामियाने में आया। उसने राजा पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। ये देखते राजा का अंगरक्षक जीवा महाल भाग कर आया। बंडा वार करने ही वाला था, तभी जीवा ने बंडा को ठार मारा। अरे था जीवा तो बचे शिवा, अरे था जीवा तो बचे शिवा। अफजल खान की हत्या की खबर मिली तब से बादशाह औरंगजेब बेहद परेशान रहने लगे थे। हिंदुओं के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देखने वाले शिवाजी महाराज ही दिल्ली के तख्त के जबरदस्त दुश्मन हैं। इस बात का औरंगजेब को यकीन हो गया था। शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने अपने मामू शाइस्ते खान को बुलवाया था और उनसे कहा, मामू जो जी में आए वो करो, पर शिवाजी को शिकस्त देनी ही होगी। चाहो इतना सैन्य ले जाओ, पर शिवाजी को हरा कर ही आना। और एक बात याद रखना, अगर ये नहीं जमा तो मुझे मुंह दिखाने भी वापस मत आना। शाहिस्ते खान निकल पड़ा। वो अपने साथ औरंगजेब की सुसज्जित फौज लेकर जा रहा था। कई हाथी, ऊंट, हजारों घोड़े, सरंजाम के छकड़े, तो शस्त्रास्त्र, जो भी ले जाना मुमकिन था वो सब कुछ लेकर शाहिस्ते खान निकल पड़ा। उसकी फौज समंदर जैसे विशाल थी। तूफानी लहरों की तरह उसने स्वराज्य पर चढ़ाई की। शाहिस्ते खान ठीक तरह से जानता था पहाड़ी किलों का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी और जमेगा तो बिल्कुल ही नहीं। अगर शिवाजी से लड़ना हो तो खुले मैदान में, ताकि वो कहीं भी छुप न पाए और हमें फतेह मिले। इसलिए खान पहुंच गया सीधे ही शिवाजी के पुणे के लाल महल में। वहीं उसने डेरा डाला। खान की जबरदस्त फौज के सामने महाराज के मावड़ाओं की कोई चल नहीं सकती थी।
अपनी मर्जी से वे हिल भी नहीं सकते थे। खान एक नाग की तरह महल में बैठ गया था। शिवाजी महाराज बड़ी असमंजस में फंस गए थे। खान को पूना से भगाया कैसे जाए, क्योंकि आमने सामने लड़ना तो संभव ही नहीं था। महाराज सोचने लगे। अचानक एक साहसी विचार मन में आया। उसी वक्त महाराज पहुंचे मां साहब के पास। मां साहब ने पूरे धैर्य से उनकी योजना के बारे में सुना। आंखें बंद करके शिवाजी से कहा, शिवा, अरे शिवा, तुम्हारी योजना तो, पर दाव उल्टा पड़ा तो जान का जोखिम है शिवा। मां साहब, आपके और मां भवानी के आशीष मेरे साथ हो तो हमारी जान को कोई जोखिम नहीं है। हमें मौत का भी डर नहीं है, इसीलिए तो आपकी परवानगी लेने आया हूं। मां साहिब ने आशीर्वाद दिए। दूसरी तरफ शाहिस्ते खान ने पुणे का बंदोबस्त और कड़ा कर दिया था। यहां आने जाने वालों की बारीकी से जांच की जाती थी। महाराज ने अपने एक मावड़े को शादी की बारात अंदर ले जाने की परवानगी लेने के लिए शाहिस्ते खान के अधिकारी के पास भिजवाया। उसे परवानगी मिल गई। महाराज की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। संध्या का समय हुआ। शादी की बारात तय किया गया था वैसे ही गांव की चौकी तक आ पहुंची। दूल्हा घोड़े पर सवार था। उसका चेहरा फूलों की माला से ढका हुआ था। आगे शहनाई के मीठे सूर गूंज रहे थे। बारात के पीछे पीछे चलने वाले बारातियों में महाराज और उनके मावड़ा कुल मिल गए थे। भेष बदलने के कारण कोई पहचाने नहीं जा रहा। बारात को देखने के लिए कई लोग सड़क पर जमा हुए थे। बाजे के साथ बारात आगे बढ़ी। लाल महल के आसपास चक्कर लगाकर बारात सामने आकर रुक गई। दूल्हे की नजर उतारी गई। अंदर से कन्या बाहर आई। बारात के बाराती फैल गए। अंधेरे में कन्या ने अपना भेष उतार दिया। वो तो एक मावड़ा था। हाथ में तलवार लेकर वो कूद पड़ा। अन्य मावड़ों ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाली। सबको इकट्ठा करके महाराज ने धीमी आवाज में सूचना दी। महाराज तो लाल महल के कोने कोने से वाकिफ थे। उनका तो बचपन ही यहां बीता था ना। महाराज ने खिड़की से रसोई घर में प्रवेश किया। वहां खानसामा दूसरे दिन के भोजन की तैयारी में लगे हुए थे। महाराज को देखते ही वे डर गए। उन्हें आवाज करने का मौका भी न देते हुए बांध दिए गए। सब खान के शयनखंड में पहुंचे। खान अपने शयनखंड में सो रहा था। बेचारे को तो ख्याल ही नहीं था कि उसके खंड में खुद यमदूत आकर खड़ा है। तभी नीचे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। खान की नींद टूट गई। क्या हुआ, ये क्या गड़बड़ है, वो देखने के लिए खिड़की से नीचे देखने लगा। आंगन में खड़े मावड़े उसे दिखाई दिए। शिवाजी के मावड़ों को देखते ही वो चकरा सा गया। या अल्लाह, ऐसा चीखने लगा। वो थर थर कांपने लगा। तभी खिड़की से महाराज अंदर आए। महाराज के हाथ में तलवार देखते ही खान ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। तभी महाराज ने वार किया। धड़ से वो घाव खान के दाहिने हाथ पर लगा। खान के हाथ की उंगलियां कट गई। जान बचाने के लिए खान भागकर सीधे पहुंच गया अपने जनान खाने में और बुरका पहनकर छुप गया। इतने में बुरके से आवाज आई, हम पर रहम कीजिए। महाराज ने सवाल किया, कौन है? हम खान साहब की बड़ी बेगम हैं। बुरके से आवाज आई। महाराज वहीं रुक गए, क्योंकि आवाज तो मर्दाना लगती थी। उन्होंने बारीकी से नजर की, पर बेगम के बुरके में शाइस्ते खान कांप रहा था। उसकी कपकपी किसी भी तरह रुकती नहीं थी। महाराज ने कड़ी आवाज से कहा, शिवाजी शिवाजी कहते हैं वो मैं ही हूं। आज तो तुम पर रहम करता हूं, फिर कभी सामने आया तो काट डालूंगा। जान प्यारी हो तो पूना छोड़कर निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। जान बचाने के लिए खान भाग निकला। महाराज भी चल पड़े, पर जाते जाते मावड़ों ने एक हंगामा मचा दिया। एक कमरे में बहुत सारे वाद्य थे। नजदीक में ही सभी वादक सो रहे थे। तलवार की नोक पर उनसे वाद्य बजवाए। वाद्यों की आवाज से छावनी में और भी गड़बड़ी हो गई। अंधकार का फायदा उठाते हुए महाराज और उनके मावड़े सिंहगढ़ की ओर निकल पड़े।
खान के सैन्य ने महाराज का पीछा किया। तभी तभी उन्हें दूर दीवा घाट पर मशाल का उजाला दिखाई दिया। खान के सैनिकों को लगा कि शिवाजी अपने मावड़ों के साथ भाग रहे हैं। वहां पहुंचकर सैनिकों ने देखा तो बैल उनके सींग पर मशाले जलाई गई थी। खान के सैन्य को बेवकूफ बनाया गया था। उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास होने तक तो महाराज सुखरूप सिंहगढ़ पहुंच भी गए थे। मुगलों द्वारा किया गया भयानक विनाश और उनका बेजोड़ सामर्थ्य महाराज को दिखाई दे रहा था। शिवाजी महाराज ने तय किया कि फिलहाल पीछे हट की जाए और मौका मिलते ही सर उठाया जाए। चुने हुए लोगों को लेकर महाराज निडरता पूर्वक जयसी को मिलने चले। जयसी ने महाराज का स्वागत किया। शिवाजी महाराज बोलने में तो चतुर थे। उन्होंने मीठी मीठी बातें की और जयसी से एक ही प्रश्न किया, क्या आपको यवनों की सेवा में सचमुच आनंद आता है? जयसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तय हुआ कि शिवाजी महाराज की ओर से बादशाह को 23 किले दिए जाए, इसके अलावा वे औरंगजेब से मिलने जाएं और उनकी चाकरी करें, ऐसा भी तय किया गया। 9 साल के छोटे से शंभु राजा के साथ महाराज निडरता से आगरा की ओर चल पड़े। महाराज के आगरा में कदम रखते ही शहर के अयाश और आलसी जीवन में मानो नई लहर सी छा गई। सबको बातचीत का एक नया विषय मिल गया। महाराज के साहस और पराक्रम के चर्चे नगर भर में होने लगे। बादशाह ने अपनी सालगिरह के दिन महाराज से मिलने का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने अपना आसन ऊंचा बनवाया। महाराज दरबार में पधारे। पिता पुत्र को 5,000 सूबेदारों की कतार में खड़े किए गए। फिर तो बादशाह पर महाराज बरस पड़े। बादशाह ने क्या हमें यहाँ अपमान सहने के लिए बुलाया है? सिंहासन की ओर पीठ फेर कर वे निडरता से डग भरते हुए दरबार से चले गए और सीधे जा पहुंचे अपने तंबू में। बादशाह को आघात पहुंचा। उन्होंने शिवाजी महाराज की छावनी के इर्द गिर्द लश्कर को तैनात कर दिया और महाराज को नजरबंद किया गया। महाराज समझ गए कि उन्हें बंदी बनाया गया है। यहाँ से छूटे कैसे? छोटे से संभाजी के साथ यहाँ से भागे भी तो कैसे? उनके साथ हीरोजी फरजत, सरजेराव मनकोजी और अन्य जानी दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने विचार करना शुरू किया और एक युक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने अपने दोस्तों को करीब बुलाया और उनके कानों में कुछ कहा। जोखिम तो था ही। तय करने के मुताबिक सबसे पहले महाराज ने औरंगजेब को दाना डाला। सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही हुआ है। मैं अब बंदीवान हूं। मेरे सैन्य का अब मुझे कोई काम नहीं है। उन्हें अपने घर जाने दीजिए ताकि खिलाने पिलाने का आपका खर्चा भी बच जाएगा। औरंगजेब था वो क्या समझेगा ऐसे दांव पेच। बुरी तरह फंस गया। उसने फौरन परवानगी दे दी। पहला पायदान सफलता से पार हुआ। अब रहे सिर्फ महाराज और उनके साथी। योजना का दूसरा पायदान यानी महाराज का बहुत ही बीमार हो जाना। और महाराज बहुत ही बीमार हो भी गए। इतने बीमार कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। सारा दिन सोए ही रहते थे। फिर एक दिन अचानक महाराज के पेट में दर्द होने लगा। फिर लोग उनके लिए दवाई ले आए, वैद्य भी आए, पर ना कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही गया। आखिरकार ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह को बात में वजूद लगा। पहरेदार मुगल सैनिकों को और उनके सरदार फौलाद खान को भी ये सब सच लगा। महाराज ने बादशाह को कहलवाया, बाबा रे अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं गरीबों, ब्राह्मणों और फकीरों में मिठाई बांटूं, तो उनके आशीर्वाद से मेरा दुख कम होगा ऐसा मुझे लगता है।
इसीलिए दान धर्म करने के लिए आप मुझे परवानगी दें। इस पर भी बादशाह राजी हो गया। बड़े बड़े पिटारे मंगवाए गए, उसमें मेवा मिठाई भरे गए और मिठाई भरे पिटारे महाराज के कमरे से जाने लगे। बाहर जाने वाले हर पिटारे की चौकीदार कड़ी जांच करता था और हर बार उसमें से थोड़ी थोड़ी मिठाई पर हाथ भी साफ कर लेता था। इसके कारण चौकीदार तो बेहद खुश थे। रोज मिठाइयां जो मिलती थीं, ऐसा हर रोज होने लगा। पिटारे की जांच करने का चौकीदारों का उत्साह भी दिन ब दिन कम होता गया। इसी तरह एक दिन और पिटारे आए। इनमें से दो खाली छोड़कर बाकी में मिठाई भर दी गई। सबके चेहरे पर चिंता की लहर दिखाई दे रही थी, सीने में धक धक हो रहा था। महाराज ने हीरोजी फरजत को अपने पास बुलवाया, अपने हाथ से सोने का कंगन उतार कर उसे पहनाया और तुरंत ही महाराज एक पिटारे के अंदर बैठ गए। हीरोजी जाकर महाराज के स्थान पर सो गया। दूसरे पिटारे में संभाजी बैठ गए। सभी पिटारे कर कर ऐसी आवाज करते हुए बाहर निकल गए। हमेश की तरह चौकीदारों ने पिटारे रोक लिए। एक दो पिटारे खोले और हुक्म दिया, जाओ। गांव से निकलने के बाद पिटारे खोले गए। शिवाजी और संभाजी अंदर से बाहर निकले। साथियों ने घोड़े तैयारी रखे थे। सभी घोड़ों पर सवार होकर सीधे निकल पड़े महाराष्ट्र की ओर। इस तरफ तो कमाल ही हो गया। फौलाद खान और उसके चौकीदार महाराज के कमरे में झांक रहे थे। हीरोजी फरजत खाट पर सोए हुए थे और एक आदमी उनके पैर दबा रहा था। उन्हें देखकर फौलाद खान को लगा कि महाराज सो रहे हैं। कुछ देर के बाद वो उठ गया और अपनी सोने की जगह पर गद्दी और तकिए लगाए ऊपर चद्दर डाल दी ताकि देखने वाले को लगे कि महाराज सो रहे हैं। दोनों कमरे से बाहर आए। पहरेगिर ने उन्हें रोका और पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, महाराज के सर में दर्द है, दवाई लेकर आ रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन चौकीदार अंदर देखने आए तो क्या, अंदर तो कोई नहीं है, कमरा खाली है। चौकीदारों ने जैसे ही चद्दर उठाई तो उनके होश उड़ गए। महाराज की जगह गद्दी और तकिए। फौलाद के हाल तो पूछिए ही मत, वो तो हक्का बक्का सा रह गया। पागल होना ही बाकी था। वो तो मानने को तैयार ही नहीं था कि शिवाजी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। अरे पर कैसे, इतना कड़ा पहरा फिर भी गायब? उड़ गए या हवा निकल गई? या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? औरंगजेब को कहें तो भी कैसे, कल्पना मात्र से उसे चक्कर आ गए। औरंगजेब को जब पूरी हकीकत का पता चला तो उसे जबरदस्त झटका लगा। नामुमकिन मुमकिन कैसे बना? शिवाजी शिवाजी, ये किस जादू का नाम है? शिवाजी के नाम से ही वो चौंक उठा। बेचारा औरंगजेब करने गया एक और हो गया कुछ और ही। संध्या का समय था। मां साहब झरोखे से बाहर देखती हुई खड़ी थी। सुनहरे किरणों के प्रकाश में उन्हें एक शानदार किला दिखाई दे रहा था, बहुत ही मजबूत और अभिद्य किला। इसी किले का नाम था कोंडाना। जीजा माता अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उस किले पर मुगलों की हरी झंडी लहरा रही थी। ये किला अपने स्वराज्य में क्यों नहीं है? तभी शिवाजी आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोंडाना की ओर देखती हुई माँ साहब बिल्कुल खो गई हैं। शिवाजी ने उनके मन के विचार को ताड़ लिया और बोले, माँ साहब आपके मन में क्या चल रहा है? माँ साहब ने कहा, उस किले पर लहराता हुआ हरा निशान मुझे कांटे की तरह चुभता है। शिवाजी ने कहा, माँ साहब वो तो मुझे भी चुभता है। माँ साहब की इच्छा है तो वैसा होना ही चाहिए। शिवाजी ने तुरंत ही अपने मावड़ों को बुलवाया। सब इकट्ठे हुए। महाराज अब क्या जिम्मेदारी सौंपते हैं ये सुनने के लिए सबके कान खड़े हो गए थे। महाराज ने कोंडाना किला कब्जे करने का अपना विचार जाहिर किया। सबसे पूछा, कौन जीतेगा ये किला? ये किला जीतना बहुत ही मुश्किल था। महाराज के कहते ही एक मावड़ा उठ खड़ा हो गया और बोला, मैं जीतूंगा ये कोंडाना का किला।
कौन था ये हिम्मत वाला बहादुर? वो था तानाजी। तानाजी मालूसरे, महाराज का बचपन का साथी। तानाजी कोंकण स्थित उमरठ गांव का था। तानाजी का देह बलवान था, उसकी छाती एक बुर्ज की तरह बुलंद थी। कोंडाणा को जीतना अति कठिन था, जान की बाजी लगाने वाली बात थी। मजबूत मन के तानाजी ने इस चुनौती का स्वीकार किया। उसके साथ उसका भाई सूर्याजी भी आया था। तानाजी और सूर्याजी राम लक्ष्मण जैसे भाई थे। सच पूछो तो तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी का न्योता देने आया था। शिवाजी ने कहा, तो ठीक है, ये काम मैं किसी और के हवाले कर दूंगा। फट से तानाजी ने उठकर कहा, महाराज पहले कोंडाणा की शादी, उसके बाद मेरे रायबा की। स्वराज्य के खातिर तानाजी ने अपने बेटे की शादी भी आगे की। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का काम पहले होना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। उसके बाद आधी रात को तानाजी अपने 500 मावड़ों को लेकर निकल पड़ा। आकाश में हल्की सी चांदनी नजर आ रही थी। किले के पास अंधकार छाया हुआ था। दबे पांव तानाजी और 500 मावड़ा किले के पास जमा हुए। किले का किलेदार उदयभान नाम का राजपूत सरदार था। सिंहगढ़ का किला बहुत ही मजबूत था। किले के नीचे घनी झाड़ी थी। प्रवेश के लिए सिर्फ दो ही दरवाजे थे, सिंह के जबड़े जैसे। किले पर सख्त पहरा था, पर तानाजी जहां खड़ा था वहां गहरी खाई थी। यहां से किसी के आने की संभावना ना होने के कारण यहां पहरा नहीं था। तानाजी ने इसी जगह को पसंद किया था। तानाजी अपने साथ एक घो लेकर आया था, उसका नाम था यशवंती। ये जानवर दीवार में अपने नाखून फंसाकर कहीं भी चिपक सकता है। तानाजी ने उसे रस्सी से बांधकर ऊंची दीवार पर फेंका। वहां से वो दो बार नीचे गिरी। तानाजी को तो आ गया गुस्सा। उसने घो से कहा, यशवंती अब की बार गिर गई तो टुकड़े टुकड़े करके रोटी के साथ कच्ची चबा जाऊंगा। फिर क्या, घो दीवार पर ठीक से चिपक गई। तानाजी और उसके मावड़ा फटाफट ऊपर चढ़ गए। दौरान किले के चौकीदार को किसी के पांव की आहट सुनाई थी। मुगल सैनिक तलवार लेकर मावड़ों पर टूट पड़े। भयानक युद्ध शुरू हुआ। इतने में उदयभान तलवार लेकर मैदान में उतर आए। उदयभान और तानाजी एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे। वे इतने जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे थे मानो दो बादलों की टक्कर हो रही हो। तभी उदयभान का एक वार तानाजी की ढाल से लगा। वो वार ऐसा जोरदार था कि तानाजी की ढाल के दो टुकड़े हो गए। फिर भी तानाजी बिल्कुल हिला नहीं। उसने अपनी पगड़ी हाथ पर लपेट ली और लगा फिर से वार पर वार करने। आखिरकार एक दूसरे के वार को झेलते हुए दोनों वीर जमीन पर गिर पड़े। तानाजी को गिरते हुए देखकर मावला डर के मारे वहां से भाग निकला। सूर्याजी ये देखकर भागता हुआ पहुंच गया दीवार की ओर। जिस रस्सी के सहारे मावला चढ़कर ऊपर आए थे उसने उसी रस्सी को काट दिया। वो बोल उठा, आप लोग ऐसे डरपोक जैसे भाग क्यों रहे हैं? अब महाराज को क्या अपना ये पराजित काला मुंह दिखाएंगे? किले को जीतकर दिखाओ। अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो लौटकर वापस जाओ। दुगुने जोश से मावड़े वापस आए। सूर्याजी के शब्दों ने उनकी रगों में नया जुस्सा भर दिया था। वे पूरी ताकत से लड़ने में जुट गए। ये हाल देखते ही मुगल डर के मारे भागने लगे और मावड़े विजयी हुए। शिवाजी महाराज अपने महल में खड़े कोंडाणा की ओर देख रहे थे। तभी महाराज को किले पर से आग की ज्वालाएं नजर आईं। महाराज समझ गए कि किला स्वराज्य में शामिल हो गया, क्योंकि यही निशान तय किया गया था, जैसे किले पर जीत प्राप्त हो वहां ज्वाला प्रगटाई जाए। दूसरे दिन विजय की खुशखबरी देने सूर्याजी महल में आया, पर उसके साथ तानाजी नहीं था। अधीर होते हुए महाराज ने पूछा, कहां है मेरा तानाजी? सूर्याजी की आंखें भर आईं। वो बोला, महाराज शत्रुओं से लड़ते लड़ते अपना तानाजी स्वर्ग की राह चल पड़ा। महाराज को बड़ा ही सदमा पहुंचा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवाजी बोले, अरे मेरा तानाजी गया, गढ़ आया पर सिंह गया।